सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बड़ी मजे की स्ट्रेटजी है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। देखें ये स्ट्रेटजी है क्या। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है लेदर के शूज बनाते हैं आप, तो कॉमन सी बात है अगर आप लेदर के शूज बना रहे हैं तो आपको लेदर की जरूरत पड़ेगी, तो पीछे से आप लेदर मंगवाएंगे किसी और कंपनी से या सप्लायर से, तो वो जो और कंपनी से लेदर मंगवा रहे हैं वो भी तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, आपसे कुछ बचत लेके आपको लेदर दे रहा है, तो बजाय किसी और कंपनी से लेने के आप खुद ही लेदर बनाने लग पड़े। आपने बोला कि हम खुद लेदर बनाएंगे, जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है वो हम खुद करेंगे, आपने खुद अपनी कोई कंपनी ओपन कर ली लेदर बनाने वाली, तो ये क्या है, आप उसका वो जो प्रॉफिट आपसे ले रहा था लेदर बेच के आपको वो भी अर्न करने लग पड़ रहे हैं। और नेक्स्ट लेवल मतलब लेदर के शूज आपने बना लिए तो आप होलसेलर को या दुकान पे जाकर रिटेलर को बेचेंगे, तो अभी दुकान पे या होलसेलर को देंगे वो कुछ प्रॉफिट खुद का रखेंगे और फिर आपकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हो सकता है आपने उसको बोला कि ये मैं आपको 900 में दे रहा हूँ शूज, आपने 1000 का बेचना, पर वो 1500 में बेचे, आपकी ब्रांड इमेज भी खराब होगी, तो बजाय वो खुद वो जो होलसेलर और रिटेलर प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके उनसे बचने के लिए आप खुद अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल मतलब पीछे वाले बिजनेस को और आगे वाले बिजनेस को खरीद लेना, बाय कर लेना, और मतलब अपनी नई बिजनेस ओपन कर लेना, उसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे आपने नई शॉप ओपन कर ली और डायरेक्ट कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और पीछे से जो लेदर आपको चाहिए था किसी और कंपनी से वो खुद ही अपनी कंपनी लगा ली लेदर बनाने वाली, तो इस चीज को हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी है तो उसे टायर की जरूरत है, वो टायर किसी और कंपनी से मंगवा रही है, बजाय किसी और से वो खुद ही बनाने लग पड़े, और आगे वो कार जो है किसी होलसेलर को सेल कर रही है, तो बजाय होलसेलर को सेल करने के वो अपना शोरूम या अपनी जो शॉप है उसको ओपन करे और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करे, दोनों साइड पे प्रॉफिट खुद अर्न करेगी, बिजनेस भी एक्सपेंड होगा क्योंकि पीछे और आगे की साइड पे दो दो नई कंपनी या नई नई शॉप बिजनेस ओपन कर रही है, पीछे बैकएंड पे भी जो पीछे से आप किसी का बिजनेस जो है लेते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया खुद ही लेदर बनाने वाली कंपनी लगा ली, इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जो आपने खुद ही अपनी कस्टमर की शॉप, कस्टमर को जो शॉप लगा के डायरेक्ट आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे किसान है वो गंदम वगैरह लगा के गवर्नमेंट को बेच देते हैं, तो गवर्नमेंट को बेचते हैं और गवर्नमेंट क्या है प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, 1000 रुपये में उनसे फी मान ले के आगे आउट ऑफ कंट्री 3000 रुपये फी मान बेचेगी, तो अगर किसान खुद ही आउट ऑफ कंट्री बेचने लग पड़े तो ये क्या है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, वो जो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही थी वो भी कमाने लग पड़ेंगे। तो अपने से आगे वाले या पीछे वाले बिजनेस में घुस जाना, उसको खरीद लेना, वो अपनी कंपनी उधर लगा देना, जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहे थे वो भी अर्न करना और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेना, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।